नमस्कार साथियों, माईसेल्फ डॉक्टर सत्यम वैश, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट एट वी क्लिनिक कानपुर। साथियों, आज मैं अपने कुछ पेशेंट से बात करूंगा उनका फीडबैक जानने के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि उन्हें कितना आराम है। तो आइए सुनते हैं उनका फीडबैक। हेलो हेलो जी, रिशु जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। जी रिशु जी, मैं वी क्लिनिक से डॉक्टर सत्यम वैश बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ जी सर, नमस्कार रिशु जी। ऋषु जी, आपका हमारे यहाँ से मेल कंप्लेंट्स के लिए मेडिसिन चल रही थी, ठीक है? अभी आप मेडिसिन खा रहे हैं ना अभी? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, अभी आराम है आपको? आराम तो सर ऐसा लगता है, मतलब कभी तो लगता है कि हाँ आराम है। अच्छा, मतलब कभी ऐसी कंडीशन लगती है कि जैसे पहली थी ना। अच्छा अच्छा, वैसे ही कंडीशन रहती है। ठीक है, बाकी आपको, लेकिन आपको यहाँ से ये भी बताया गया होगा मेडिसिन के साथ साथ थोड़ा सा अपनी डाइट पे और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह पे भी ध्यान दीजिए। दे रहे हैं ये सारी चीजें? हाँ, वो तो मैं करता ही हूँ शाम को, मतलब जैसे जाते हैं ना। हाँ हाँ, मतलब खेल जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है मेरे पास। अच्छा अच्छा, जैसे वॉलीबॉल वगैरह, क्रिकेट वगैरह ऐसे खेलते रहते हैं, तो उसमें हो जाती है एक्सरसाइज वगैरह। तो जी बहुत बढ़िया ऋषु जी, आप ये एक्सरसाइज वगैरह पे भी ध्यान रखिए, डाइट पे भी ध्यान रखिए, ठीक है? और आपका जो मैं अभी फाइल देख रहा था, इसमें लगभग 50% मेंशन किया हुआ है रिलीफ, ठीक है? हाँ, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा था। बाकी अगर कोई भी अदर समस्या आ रही है जिसमें आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अभी आप जो मेडिसिन खा रहे हैं इसके एंड में एक बार हमसे आप बात करिएगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है ऋषु जी, बाकी समय पे हमारे क्लिनिक से कॉल्स वगैरह तो जा रही होंगी ना आपके पास? दो चीजें होती हैं, कारण क्या है, एक तो ये वीकनेस होती है, कह सकते हैं सेक्सुअल वीकनेस, ठीक है, और दूसरा थोड़ा सा हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है, ठीक, जो आपके कोई, हाँ, जो आपका मेन लिबिडो को मेंटेन करने वाला जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, हाँ, कहीं ना कहीं इसका लेवल जब थोड़ा सा डाउन होता है तो डिजायर वगैरह थोड़ी सी कम होती है, ठीक, इसीलिए तो हाँ, डाउन किस वजह से हो सकता है कुछ है? जी आपके जिसे जो आपका ऑर्गन है जो ये हार्मोन बनाता है, ठीक है, अब जैसे आपका टेस्टिकल्स जो होते हैं ये हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक, ये टेस्टोस्टेरोन जो है आपके टेस्टिकल्स में बनता है, ठीक, अगर आपके टेस्टिकल्स पूरी तरीके से फंक्शनल हैं, एकदम फुल्ली एक्टिव हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहता है, लेकिन अगर उनके फंक्शन में थोड़ा सा भी एबनॉर्मेलिटी होने लगती है, ठीक है, हाँ, तब जाके ये लेवल जो है थोड़ा सा डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। नॉर्मली क्या होता है, यंग एज में इसका लेवल बहुत अच्छा होता है, धीरे धीरे एज के साथ। पहले बदलने जैसे मैं एज 21-22 साल तक तो लगभग बहुत ही ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके बाद मेरे को ऐसी दिक्कत आने स्टार्ट हुई। जी जी जी, और ये पास्ट में थोड़ा सा अगर कहीं सेक्सुअल अब्यूज वगैरह हुआ होता है तो थोड़ा सा उसकी वजह से भी थोड़ा सा घट चुका होता है, ठीक है? अच्छा, उसकी, ओके, हाँ ठीक है। बाकी ऐसा कोई बहुत हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है, अभी मेडिसिन आप खा रहे हैं, अभी आप पूरी तरीके से यंग हैं और पूरा रिकवर हो जाएंगे आप, ठीक, ओके।